हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले GRSE, जिसका नाम है गार्डन रीस शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इस कंपनी से रिलेटेड बातें करेंगे, जानेंगे इसके फंडामेंटल टेक्निकल क्या कंपनी कह रही है उससे रिलेटेड। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल IIM स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है, चीज़ों को सीखना है, सीखने के लिए वीडियो जाके देखनी है। जितनी वीडियोज देखेंगे वो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। साथ में आपको अगर बारीकियाँ सीखनी है, आप चाहते हैं कि पैसा बड़े लोगों ने कैसे कमाया है, आप कैसे कमा सकते हो बिना फ्यूचर करे, बिना ऑप्शन करे, तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम पहले बेसिक टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च, फंडामेंटल, कब लेना है, कब बेचना है, शेयर क्यों भागते हैं, शेयर क्यों गिरते हैं, ABCD आपको यहां पर A to Z जिसे कहते हैं ना, सब कुछ यहां पर आपको समझ में आएगा। 8186054501, 8169261037 पे इस कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर की जाएगी, 1-to-1 क्लासेस, 20 से 25 घंटे का कोर्स और 20 से 25 दिन की यहाँ पर क्लासेस। एक बार आपने करी फिर उसके बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आप कोई बीट कर पाएगा। 25,000 रुपये का कोर्स है, 3 महीने की हैंड होल्डिंग स्ट्रेटजी यूज इन स्टॉक मार्केट, वो सब चीज़ सिखाई जाएंगे। और साथ में अगर काम भी करना है तो भी इन नंबरों पे कांटेक्ट करके आप हमारे साथ काम भी कर सकते। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गार्डन रीस शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो कंपनी है क्या, यहाँ पर देखिए, इज अ प्रीमियर शिप बिल्डिंग कंपनी इन इंडिया। जैसे कि यहाँ पर नाम में ही है कि ये शिप बिल्डर है, शिप बनाते हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है उससे काम करते हुए नजर आते हैं। और ये जो कंपनी है यहाँ पर देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इसका पे कंट्रोल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिप बिल्डिंग रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन नेवी एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड। GRSE इज अ डाइवर्सिफाइड प्रॉफिट मेकिंग एंड द फर्स्ट शिपयार्ड इन द कंट्री टू एक्सपोर्ट वॉरशिप एंड डिलीवर 100 वॉरशिप टू द इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। तो यहाँ पर बात करें, एक तो प्रॉफिट मेकिंग है, साथ में हम बात करें यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करते हुए नजर आते हैं। 100 शिपयार्ड वॉरशिप यहाँ पर इन्होंने इंडियन नेवी को और इंडियन कोस्ट गार्ड को भी यहाँ पर देते हुए नजर आए। आप चाहो तो इनके वेबसाइट पे एक बार विजिट करो, जानिए इसके रिलेटेड की कंपनी के प्रोडक्ट कौन कौन से, किस तरीके से ये काम करते हैं, क्या यहाँ पर सारी चीज है, वो आपको पूरा का पूरा एक आइडिया इस पर्टिकुलर इनके साइट पे जाके आपको पता चलती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए मार्केट कैप, मिड कैप कंपनी है, 20,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। पी की बात करें, जब मैं 20,000 करोड़ की बात करूं तो याद रखिएगा रिस्क भी साथ में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जब शेयर भाग रहा होता है तो अच्छा नजर आता है, वह जब शेयर गिरता है ना तो उस टाइम यहाँ पर लोगों की धड़कने है ना बहुत तेज होनी शुरू हो जाती है। पी की बात करें, 56 का पी है, इंडस्ट्री का पी 74 का है, तो अभी भी सस्ता नजर आता है, ठीक है, बट पी के बेस पे कभी काम नहीं करना, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ROC ROE काफी ठीक ठाक नजर आती है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लगभग 40% का है, सेल्स ग्रोथ 40% की है, रिटर्न एसेट अच्छा खासा है, डेट फ्री शेयर है, सबसे पॉजिटिव बात यहाँ पर ये नजर आती है। इसके अलावा 10 की फेस वैल्यू और 45% का कंपनी यहाँ पर डिविडेंड भी देती हुई नजर आई है। 1905 का इसका हाई था, 52 वीक हाई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए कौन कुछ नहीं है, बस प्रोज नजर आते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर फाइनेंशियल समझ लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी धीरे धीरे करके यहाँ पर इनकी सेल्स में अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। 1,000 करोड़ के यहाँ पर आसपास की सेल्स हो गई है, साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 91 के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मार्जिन यहाँ पर 9% है, ईयरली क्वार्टरली सब बेस में यहाँ पर अच्छा नजर आता है। नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो 112 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, ईपीएस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो सब कुछ यहाँ पर हाईएस्ट एवर लेवल पे चल रहा है, इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ईयरली बेसिस पे बात करें तो आपको समझ में आएगा, ईयरली बेसिस पे कुछ साल पहले तक कंपनी लगभग सेम टाइम परफॉर्म करती हुई नजर आ रही थी, ऐसा कुछ परफॉर्मेंस नहीं था, बट जैसे ही भारत की डिफेंस ने यहाँ पर बहुत अच्छा तरक्की करी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2022 से अभी लगातार कंपनी अच्छा खासा काम करती हुई नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आएगा कंपनी का नेट प्रॉफिट 132 करोड़ से 357 करोड़ रुपए पहुंच गया, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पे आ गए हैं। रिजर्व्स यहाँ पर कंपनी के बढ़ रहे हैं, बोरिंग यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है, वर्किंग प्रोग्रेस में 12 करोड़ रुपए, कैश की बात करें तो कंपनी के पास 3700 करोड़ रुपए के आसपास का कैश भी पड़ा हुआ है, तो सब कुछ यहाँ पर पॉजिटिव नजर आता है। इसके अलावा प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें, 75% के यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग है। FIs की बात करें,
FIIs यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में यहाँ पर हम बात करें DIIs की, तो DIIs भी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, 5% से 6.14% आ गई है। पब्लिक की बात करें 16% है, इनमें भी रमेश दमानी सर है ना, जिनका नाम आप जानते ही है, उन्होंने 1.09% की होल्डिंग यहाँ पर लेके रख रखी है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा, कुछ फंड्स यहाँ पर बेचते हुए भी नजर आए हैं, तो बाइंग सेलिंग वो चलती रहती है। तो किसी के बाई करने से, किसी के सेल करने से स्टॉक्स पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। उसके बेसिस पे यहाँ पर आप चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, बट ले या बेचने की आपको खुद ही समझना पड़ेगा, खुद सेंस लाना पड़ेगा, ठीक है ना। चार्ट से रिलेटेड बातें करेंगे, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर रहिएगा। बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, चीजों को यहाँ पर सीखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, नंबरों को नोट कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यहाँ पर कोर्स और साथ में काम करना है तो इन नंबरों पे घंटी बजा दीजिए। आगे बढ़ते हैं, चार्ट से रिलेटेड बातें करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग डबल होता हुआ नजर आ रहा है 2-3 महीने के अंदर अंदर ये शेयर, है ना। 2-3 महीने में इस शेयर ने एक तेजी पकड़ी, और तेजी पकड़ के यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 1800, कहाँ पर ये अप्रैल में ही लगभग 3 अप्रैल के आसपास 800 रुपये का हुआ करता था, अभी 750 रुपये के आसपास चल रहा है, तो एक बेहतरीन तेजी हो गई है। तो जब इतनी ज़्यादा तेजी हो जाती है तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा शांति रखिए, बस शांति के साथ साथ यहाँ पर यह भी रखिए कि जब भी यहाँ पर इतने ऊंचाई पर काम कर रहे हो ना, तो स्टॉप लॉस को बिल्कुल मत भूलिए। क्यों? क्योंकि जब चीजें गिरती है ना ऐसी जगह पर, तो 20-30% तक गिरती है, फिर आपको यहाँ पर आप सोचते हो कि निकल जाओ, फिर जब आप निकल जाते हो फिर चीजें भागने लग जाती है। तो थोड़ा सा अपने सेंस को, अपनी बुद्धि को यहाँ पर यूज करना है। अभी क्या कर सकते हैं, अभी सबसे पहली बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। ये शेयर जैसे ही यहाँ पर 1900 का लेवल क्रॉस करेगा, इस शेयर में दोबारा तेजी होती हुई नजर आएगी। आगे क्या नजर आता है, आगे अगेन नजर आता है कि कंपनी यहाँ पर आने वाले एक साल तक और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। मिड टर्म में मुझे ये शेयर अच्छा नजर आता है कि ये शायद 3000 रुपये तक का लेवल आने वाले 2024 या 2024 के मिड तक, है ना, एक साल का टाइम मान लेते हैं कि 3000 रुपये तक का यहाँ पर लेवल टच कर सकती है। अभी ये शेयर अगर थोड़ा बहुत नीचे आता है उस टाइम एक बार सोच सकते हैं, बट याद रखिएगा मैंने यहाँ पर बताया है कि जब ऊपर के लेवल पर लेते हैं तो स्टॉप लॉस को हमेशा फॉलो करते हैं। ये शेयर यहाँ पर अगर गिरता है तो फिर ये गिर के लगभग लगभग 1500 रुपये के आसपास तक आ सकता है, उस टाइम यहाँ पर तो बाइंग मेरी ख्याल से बनती है। एक रिस्क उस टाइम पे यहाँ पर ले सकते हैं, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके। अब शेयर में इतनी ज़्यादा तेजी करी है तो हो भी सकता है कि थोड़ा वो नीचे आए और कंसोलिडेट करे 2-3 महीने, और फिर उसके बाद जब भागे तो अच्छा खासा भागे। तो मेरे कहने पर, किसी और के कहने पर बाइंग सेलिंग की करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को यहाँ पर प्रिपेयर करना है अच्छे तरीके से। अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर बताया है कि पहले सीखना बहुत जरूरी है। टू अर्न मोर फर्स्ट लर्न मोर, जब आप सीख लेंगे तो आपके लिए एक क्रैक कोर्स तरीके से हो जाएगा, और आपको फंडामेंटल टेक्निकल की एनालिसिस करना आ जाएगा कि यहाँ पर किस तरीके से हम चीज़ों को एक उस तरीके से देख सकते हैं जिस तरीके से कुछ अलग अलग लोग देख रहे हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि सब लोग एक ही तरीके से देख रहे हैं। वो चीज़ यहाँ पर इस कोर्स में आपकी हेल्प हो जाएगी, टेक्निकल में हेल्प हो जाएगी, और फिर उसके बाद तो पैसा आप बना ही सकते हैं। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।